नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हिंदी पांचांग के अनुसार यह सावन मास चल रहा है। मास का प्रत्येक दिन पवित्र माना जाता है। सावन में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। सावन कृष्ण पक्ष के चतुर्थी शिवरात्रि पूजा के अगले दिन अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या के दिन नदी स्नान और दान का बड़ा महत्व है। मान्यता के अनुसार इस दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध किया जाता है। आइए जानते हैं सावन के हरियाली अमावस्या की कथा क्या है। एक राजा था, उसके एक बेटा और बहू थे। बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और नाम चूहे का ले लिया। यह सुनकर चूहे को गुस्सा आया। उसने मन में विचार किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊंगा। एक दिन राजा के घर में मेहमान आए थे और वह राजा के कमरे में सोए थे। चूहे ने रानी के कपड़े ले जाकर मेहमान के पास रख दिए। सुबह उठकर सब लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में मिले। यह बात जब राजा ने सुनी तो उस रानी को घर से निकाल दिया। वह रोज शाम को दिया जलाती और ज्वार बोती थी, पूजा करती, गुड़दानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उस रास्ते से निकल रहे थे तो उनकी नजर उन दीयों पर पड़ी। राजमहल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि देखकर आओ वह क्या चमत्कारी चीज थी। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने वहां देखा कि दिए आपस में बातें कर रहे थे, सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक शांत से दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। तब दिया बोला, मैं राजा के घर का हूँ। उस राजा की एक बहू थी, उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम ले लिया। जब चूहे को गुस्सा आया तो रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में रख दिए। राजा ने रानी को घर से निकाल दिया और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। वो रोज मेरी पूजा करती थी और भोग लगाती थी। सैनिकों ने जंगल की सारी बात राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने रानी को वापस महल बुला लिया, जिसके बाद रानी खुशी खुशी राजमहल में रहने लगी।